बताएं सर, आज वाराणसी के ग्रीन टच प्रोजेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सैकड़ों निवेशक जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिए। ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि सन 2018 में उक्त कंपनी व सोसाइटी के खिलाफ निवेशकों ने थाना सिगरा में मुकदमा कायम कराया था। मुकदमा 2018 को कायम हुए 2 वर्ष हो गए। विगत 6 महीनों से नामजद आरोपियों के खिलाफ वारंट हैं, गैर जमानती वारंट हैं, लेकिन नामजद आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नामजद जो आरोपी हैं कंपनी की प्रॉपर्टियों को विदेश भागने की फिराक में है। इसीलिए हम सब लोग मिलकर के यहाँ आए हैं, जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो और कंपनी और आरोपियों की जो संपत्ति है मुकदमे से जोड़ी जाए और जब्त की जाए। अगर ऐसा 15 दिन में नहीं होता है तो 15 दिन बाद ग्रीन टच के निवेशक, सोवर्जन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक आमरण अनशन या अनशन करने, अनिश्चितकालीन अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। यह सब जिलाधिकारी महोदय को, तो हमारे ज्ञापन को श्रीमान सत्यप्रकाश सिंह जी नगर मजिस्ट्रेट एवं सिटी जो ACM फोर्थ महोदय द्वारा लिया गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम विवेचना अधिकारी से कहेंगे कि नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करें और जो मुकदमे की जो संपत्ति है उसे, जो कंपनी की संपत्ति है मुकदमे से जोड़ने का कार्रवाई की जाए। जैसा उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है, देखते हैं अगर नहीं होता है तो उसके बाद में हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की।